सुबह अर्ली मॉर्निंग सेकंड सक्सेस जो है वो स्पेशल सेल को मिली है, जिसके तहत सचिन थापन एलियस सचिन बिश्नोई को बाकू अजरबैजान से एक्स्ट्राडाइट करके लाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद दो दिन लेटर ऑन सचिन थापन ने एलियस बिश्नोई ने चैनल को कॉल करके बोला था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और ओन अप किया था और एक तरीके से डेयर किया था। तो तब से लगातार पिछले सवा साल से स्पेशल सेल का एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट चल रहा था, जिसके तहत इनिशियली चार शूटर्स जो उसमें शामिल थे उनको अलग अलग टाइम पर मॉड्यूल्स को गुजरात से और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री से, यूपी से, राजस्थान से अरेस्ट किया गया, उनके साथियों को अरेस्ट किया गया। इसी के चलते जो इनके मेन जो इनका मास्टर प्लानर था और जिसने ये सारी वारदात को अंजाम करवाया था, लॉरेंस बिश्नोई को भी प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया था, जिसने हमारे रिमांड के दौरान तमाम चीजों को बताया था। इसी के चलते आज इन्हीं के सिंडिकेट के इस मेन साथी को हमारी टीम जो है लगातार जो इस पे एफर्ट कर रही थी, अजरबैजान अथॉरिटीज के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के तमाम सपोर्ट के साथ, सीबीआई इंटरपोल की मदद से और तमाम हमारी जो रिलेटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी हेल्प से आज एक सक्सेसफुल एक्सट्रेडिशन हो पाई है अजरबैजान से। इससे ये लास्ट दोनों जो एक्सट्राडिशंस और डिपोर्टेशंस हैं इनसे ये क्लियर मैसेज है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री साहब की सुपरविजन और उनकी तमाम डायरेक्शंस के कारण है, कि भारत में अपराध करके कहीं भी छुप जाना अब उतना आसान नहीं है। डिफरेंट एजेंसीज की डिफरेंट टास्किंग है और जिसके चलते ये जो एफर्ट है और भी आगे कंटिन्यू रहेगा। इस तरीके से सचिन थापन की आज अरेस्ट डाली गई है और सचिन थापन को जेल कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद इसका पुलिस कस्टडी रिमांड सीख किया जाएगा और फिर जैसे ही हमें लगेगा कि कोई चीज हमने पब्लिक डोमेन में आपसे शेयर करनी है तो हम आपसे शेयर करेंगे। सर, ये कितना टाइम लगा आपको पूरा ट्रैक करने में, कितनी टीम लगी और कितने तरीके से आपने पूरा मॉनिटर किया? देखिए, 29 मई को सिद्धू का मर्डर हुआ था मूसेवाला का और 31 मई को हम लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पे ले आए थे। 30 को हमने, इनफैक्ट 29 शाम को ही जब ये वीडियो वायरल हुए उसी टाइम हमारी मल्टीपल टीम्स स्पेशल सेल की उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इसमें हमारी तमाम रेंजेस की टीम, न्यू दिल्ली रेंज, नॉर्दर्न रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्ट, काउंटर इंटेलिजेंस, इवन हमारा साइबर यूनिट, इनमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई। हर एक ने अपनी अपनी टास्किंग के हिसाब से काम किया और इस टाइम हम 1 अगस्त पे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरा साल और जून ऑफ लास्ट ईयर, तो ऑलमोस्ट 13 महीने का कंटिन्यूस एफर्ट है, जिसके कारण से आज ये एक्स्ट्राडिशन हो पाई है। सर, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितने केस इस पर दर्ज है पहले के और ये लॉरेंस से किस पर ड्रा हुआ था? देखिए, अभी तक जो ऑन रिकॉर्ड केसेस हमने कोलेट किए हैं, अभी इसकी इंटरोगेशन बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। 4 केस राजस्थान के हैं, 4 केस पंजाब के हैं, 1 केस सरसा हरियाणा का है। स्पेशल सेल के 2 केस हमारे न्यू दिल्ली रेंज के हैं, जिसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर का है, इन्होंने एक आरपी गुप्ता करके कोई प्रॉपर्टी डीलर है मोहन गार्डन का, उस पर गोली चलवाई थी इनके सिंडिकेट ने, और 1 केस इन पे मकोका का है जिसमें एक्सप्लोसिव एक्ट भी लगा है, क्योंकि जब प्रियव्रत फौजी और इनके साथी अरेस्ट किए गए थे तो उनसे अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड्स मिले थे। इसके अलावा 3 केसेस हमारे
काउंटर इंटेलिजेंस सेल के हैं, क्योंकि आपको भी ध्यान होगा कि हमारी डिफरेंट टीम्स ने, खास तौर पे काउंटर इंटेलिजेंस की टीम ने, दोनों वर्टिकल्स जो हैं, लकी पटियाल कौशल चौधरी वाला और लॉरेंस बिश्नोई काला जथेड़ी वाला, उन पे सीरीज ऑफ उनके आपस में क्राइम रहे हैं, एक दूसरे सिंडिकेट्स के अगेंस्ट रहे हैं, या इनके कोई ऐसे लोग जिनको इन्होंने एक्सटॉर्ट किया या इन्होंने अपना विक्टिम बनाया, तो वो एक काफ़ी देर से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। तो दोनों वर्टिकल्स पे ही सीआई की टीम ने और तमाम रेंजेस की टीम ने लगातार बहुत अच्छा एक्सटेंसिव काम किया है। सर, इसी में ऐड करो, इस रोल क्या था एग्जैक्टली, वेपन्स प्रोवाइड किए थे, प्लान में था, या सर इसका रिलेशन क्या रोल लॉरेंस बिश्नोई से, इनके फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं हमारा कोई रिलेशन नहीं, बट ये भांजा बताते हैं कहीं इसके जो मेंबर्स। लॉरेंस की जो मदर है और सचिन थापन की जो मदर है, लॉरेंस की जो माँ है वो इसकी मदर की बुआ लगती है। तो लॉरेंस जैसे गांव में होते हैं, सगे होते हैं, तो इस तरीके से ये उसको मामा बुलाता है। और इसका नाना और लॉरेंस बिश्नोई का नाना भी आपस में बहुत करीबी रहे हैं, आपस में इनका परिवार का रिश्ता रहा है। अभी तक जो फैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, जिस बोलेरो में सिद्धू को चेज किया गया वो इसने ऑर्गेनाइज करवाई, वेपन्स का डिस्पोजल जो था, वेपन जैसा कि हम जानते हैं दो पार्ट में बंटे, एक पार्ट रह गया जो मनप्रीत मानू था और दूसरा जगरूप रूपा था, एक पार्ट ऑफ वेपन उनके पास रह गए, दूसरे वेपन जो चार शूटर थे, प्रियव्रत फौजी था, दीपक मुंडी था, अंकित सिरसा था, कशिश कुलदीप था, तो इन चारों के पास जो वेपन रह गए वो रोहित गोदारा ने हैंडल किए। तो उन वेपन्स की जो हैंडलिंग थी रोहित गोदारा वाली, वो भी सचिन थापन ने सुपरवाइज करी। इसके अलावा ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, जैसा कि आपने देखा, क्राइम था, जिसमें कि कनाडा से बैठा गोल्डी ब्राड सिग्नल ऐप के जरिए शूटर के दोनों मॉड्यूल से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा था। गांव का आदमी रेकी करके फोटो खींच के कनाडा कॉल कर रहा था सिग्नल पे, और मॉड्यूल अलग अलग थे, शूटर अलग थे, गाड़ियां अलग थी, वेपन अलग जगह से आए, क्रॉस बॉर्डर एलिमेंट था, क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से, जैसा हमने पहले भी शेयर किया है कि वेपन्स जो थे, बड़े वेपन खास तौर पे, इसमें अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर था जो, और AK-47 थी, वो आए। तो आपने काफ़ी ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी हैं, तो ये जितना ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट था उस हिसाब से ये एक आदमी का काम नहीं था। सचिन थापन क्योंकि लॉरेंस का बहुत करीबी है, उसका रिश्तेदार भी है, उसके गांव का भी है, तो ये बाहर बैठा था, विक्रम बराड दुबई में था, ये उस दिन तो दुबई में था, दो दिन बाद ये बाकू अजरबैजान चला गया था, गोल्डी कनाडा में था, और इनके एक दो और साथी भी थे जो डिफरेंट कंट्री से अलग अलग कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। तो ये सारी बातें पहले भी हम बता चुके हैं, तो उस तरीके से इसका काफ़ी काफ़ी टच पॉइंट्स पे इसका अहम रोल था। उस पर हमने करी थी, इनफैक्ट आपको याद होगा साउथ डिस्ट्रिक्ट वालों ने कार्रवाई करी थी, और उसको एजेंट को भी पकड़ लिया था जिसने इनके पासपोर्ट बनाए थे, इसने टुटेजा के नाम पे बनाया था, अनमोल ने भी फर्जी नाम पे बनाया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था एजेंट को, और दीपक बॉक्सर वाले में जिसने बनाए थे बरेली से था, उसको हमने अरेस्ट किया था। देखो जो हमारे मेजर केसेस हैं जिनमें हमारे RCN खुला है, कईयों में क्या होता है कि मेजर केस डिफरेंट स्टेट्स या एजेंसीज के भी होते हैं, तो एक कोलेबरेटिव एफर्ट है, वो लोग भी एफर्ट कर रहे हैं। अब आगे का क्या होगा उसको मैं आपको फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता,
लेकिन जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करने का प्रयास है वो हमारा लगातार